हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सभी के सपोर्ट से मेरा 1K सब्सक्राइबर हुआ है। दोस्तों, आज मैं आशा भोसले मैम का स्केच बनाने जा रही हूँ। मैंने ये ग्रिड बना लिया है। लंबाई भी 9 है और चौड़ाई भी 9 है। अब मैं इसे फाइल पर भी बना रही हूँ। 1 सेंटीमीटर मैंने इस साइड से छोड़ा है और 1 सेंटीमीटर मैंने इस साइड से छोड़ा है और 4-4 सेंटीमीटर मैंने इसमें लिया है। इस साइड भी मैं 4-4 सेंटीमीटर ही लूँगी। मैंने ये चारों तरफ पॉइंट लगा लिए हैं। अब मैं पॉइंट से पॉइंट मिला दूंगी। देखिए, मैंने पॉइंट से पॉइंट मिला दिया है। देखिए, सभी पॉइंट मैंने मिला दिए हैं। देखिए दोस्तों, ये ग्रिड तैयार हो गया है। अब सबसे पहले मैं इसमें नंबर डालूंगी, 1 से 9 तक। यहाँ पर भी मैं नंबर लिख लूंगी, 1 से 9 तक। अब सबसे पहले मैं आँखों को बनाऊंगी, तो इसमें ऊपर से 6 है और यहाँ से 3 है। दोस्तों, हमें ड्रॉ करते समय ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कौन से बॉक्स में कौन सा पार्ट्स आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आईब्रो बनाऊंगी। दोस्तों, मैं पेंसिल बिल्कुल लाइट चला रही हूँ। अगर गलत हो जाए तो मैं उसे इरेज कर सकूँ। देखिए, अब मैं आँखों को ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने आईब्रो बनाया है। दोस्तों, हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस बॉक्स में आ रहा है, उसी के अनुसार हमें ड्रॉ करना चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल लाइट पेंसिल चला रही हूँ। होठ इसमें बनाने के लिए बॉक्स नंबर 5 में आ रहा है, ऊपर से ही 5 और साइड से भी 5। तो मैं 5 नंबर बॉक्स में होठ बना रही हूँ। दोस्तों, देखिए, मैं बिल्कुल लाइट पेंसिल चला रही हूँ कि अगर गलत हो जाए तो मैं उसे इरेज कर सकूँ। मुझे हेयर बनाना है, तो 5 और 6 में हेयर बनेगा। तो 5 और 6 बॉक्स मैंने ले लिए ऊपर से। इसमें मैं हेयर बना रही हूँ और साइड से 2, 3, 4 तक मुझे हेयर बनाना है। दोस्तों, मैंने स्केच बिल्कुल लाइट पेंसिल चलाई है, स्केच बनाने के लिए बिल्कुल ही लाइट पेंसिल चलाई है। आप देख सकते हो, इस साइड भी बॉक्स नंबर 7 में हेयर बनेगा।
दोस्तों ये मेरा आशा भोसले मैम का स्केच कंप्लीट हो चुका है। पार्ट टू में मैं आपको इसमें शेड देना बताऊंगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू।